गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइज, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। गाइज, जैसे थंबनेल पे और टाइटल पे आप लोग देख ही लिए हैं कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप गोल्ड को किस तरीके से डायमंड में चेंज कर सकते हैं। जो ओल्ड प्लेयर है, जो इस चीज़ को मतलब टोटल गोल्ड का चीज़ को चेक कर चुका है, गोल्ड से हम लोग डायमंड कभी नहीं ले सकते हैं, उन लोगों के साथ ये बात कन्फर्म नहीं होगा। बट मैं आपसे कहूँ कि आप गोल्ड कॉइन से आप डायमंड ले सकते हो। डायमंड तो नहीं, डायमंड रॉयल वाउचर ले सकते हो। तो डायमंड लेना और डायमंड रॉयल वाउचर लेना लगभग सेम ही गिनती में आता है, क्योंकि हम लोग उससे भी स्पिन कर सकते हैं और डायमंड से भी स्पिन कर सकते हैं। तो गाइस, आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये 100% वर्किंग है, और ये चीज़ आज से नहीं, ये आपको बहुत ही स्टार्टिंग से मिलता है। बहुत सारे लोग शायद गोल्ड से डायमंड रॉयल वाउचर एक्सचेंज भी करते हैं, बट जिसको पता नहीं है वो नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर डायमंड से, गोल्ड से जो है डायमंड रॉयल वाउचर आप आसानी से ले सकते हैं। उसके लिए कोई भी ट्रिक्स नहीं है, कोई भी मतलब ऐप नहीं है, कोई भी हैकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। सिंपल सा इसमें ऑलरेडी दिया गया है कि आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ज़्यादा बात को लंबा नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको चैनल सब्सक्राइब करने लायक लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आज उससे पहले बता दें कि कल की वीडियो के लिए सॉरी, क्यों कल का वीडियो में लास्ट वाला जो मैंने बंडल डाला था वो थोड़ा सा दिक्कत था, मतलब मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, तो वो प्रॉब्लम आ गई। तो उसके लिए मैंने कमेंट में सॉरी लिख दिया था, तो बहुत लोगों ने बोला, भाई कोई दिक्कत नहीं है, भाई मिस्टेक होगी, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। कोई तो जानबूझ के बिल्कुल फेक न्यूज़ डाल देता है, बट आप तो मतलब आपसे मिस्टेक्स हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया, तो कोई बात उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट कुछ लोगों ने नहीं, मतलब बहुत लोगों ने अच्छा कमेंट किया, भाई कोई दिक्कत नहीं है, भाई ऐसा होता है, उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भाई चलो, भाई मैंने थोड़ा सा गलती किया तो भाई लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया और इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, क्योंकि बेनिफिट कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर वो मुझे मेरा गलती दिखाए तो भी उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, और वो छुपाए तो भी मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जिसका सोच जैसा होता है ना, वो उस टाइप का कमेंट करता है। जबकि मैंने कमेंट पे पिक भी कर दिया था कि भाई वो मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग मतलब नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, बट फिर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया, नेगेटिव कमेंट किया। तो वो अपना सोच एक्सप्लेन करता है कि मेरा सोच इस तरीके से घटिया है, ये है वो फलना चलना, ठीक है। तो वो जो अच्छे होते हैं वो अच्छे कमेंट करते हैं, जो बुरे होते हैं वो बुरे कमेंट करते हैं। एक बंदे ने मुझे कहा, भाई थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इसके लिए, मैं बुरा मत मानना। एक बंदे ने मुझसे कहा कि भाई मैं आपको कोई भी वीडियो, एक नहीं मतलब बहुत बंदे ने कहा कि भाई मैं आपका वीडियो देखता हूँ तो आपको कोई भी वीडियो मुझे ख़राब क्यों नहीं लगता है, आपको जो भी वीडियो देखता हूँ ना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने उससे क्या कहा कि भाई वो मेरा वीडियो अच्छा नहीं है, आपका थिंक जो है ना, आपका सोच जो है ना, आपका सोच ही उतना अच्छा है कि आपको मतलब किसी का भी चीज़ अगर ख़राब भी होता है ना तो आपको ख़राब नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ हम लोग की नज़र में ख़राब लगता है ना तो वो चीज़ ख़राब नहीं होता है, हम लोग का सोच ख़राब होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये थिंक पे डिपेंड करता है कि किसका थिंक कैसा होता है। तो हर इंसान एक के लिए, एक इंसान सबके लिए बेटर नहीं हो सकता, किसी के लिए अच्छा हो तो किसी के लिए ख़राब भी होगा, वो इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो। तो क्या सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा रेडम्पेशन की बात कर लें। यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो रैम्पेज रॉयल है, यहाँ पर आपको हम लोग को डेली जो है 50% का डिस्काउंट मिलता है वन टाइम के लिए, बट यहाँ पर आपको दो टाइम के लिए दिया गया है। तो वहाँ पर अगर आप रॉयल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको दो बार स्पिन करने मिलेगा, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जिसको स्पिन करना वो जाके स्पिन कर सकता है, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम दो बार आपको वहाँ पर से स्पिन करने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके सेकंड बात कर ले कि हम लोग को जो यहाँ पर नो रैंक ड्रॉप आज होगा, हालांकि रैंपेज तो स्टार्ट हो चुका है, गेम प्ले भी स्टार्ट हो चुका है, आप लोग बहुत सारे लोग किए भी होंगे और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। और एक बात बता दें कि मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर नो रैंक ड्रॉप आज आपको चलेगा, यानी कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ये नो रैंक ड्रॉप क्या होता है। गाइज देखो, हम लोग कभी भी जब रैंकेड मोड में गेम प्ले करते हैं ना, तो हम लोग अगर टॉप 20 से अगर नीचे आते हैं ना, तो हम लोग टॉप 20 से पहले अगर हम लोग मर जाते हैं स्क्वाड में, इस सोलो में 30 तक भी चलता है, तो मैं टॉप 20 की बात कर रहा हूँ, टॉप 20 से अगर पहले ही मर जाते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप उतरे, आप जीरो किल किए, आपको उतरने के साथ साथ किसी बंदे ने आपको किल कर दिया, तो वहाँ क्या होता है, हम लोग का रैंक जो है लगभग 40-50 के आसपास माइनस हो जाता है। बट अगर आप आज गेम प्ले करते हैं तो आपका माइनस नहीं होगा, लेकिन हाँ कब, उसका भी टाइम दिया गया है। आप आज 1 बजे से लेकर 5 बजे तक या फिर 7 बजे तक, मुझे डेट याद नहीं है, बट इतना कन्फर्म है 13 से लेकर कुछ ऐसे मतलब आगे तक था, तो 4-5 घंटे के लिए ये मतलब चलने वाला है कि नो रैंक ड्रॉप जो है वो चलने वाला है। 4-5 घंटे का आपको मिलेगा, तो आप ध्यान से 1 बजे के बाद गेम प्ले कीजिएगा रैंकेड में,
उसके बाद अगर आप उतरने के साथ साथ अगर आपको कोई बंदा ठीक ठोक देता है तो आपका जो रैंक है वो ड्रॉप नहीं होगा, वो रैंक जो है माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पर रैंक पुश करने का मस्त और वेस्ट आपको टाइम मिल जाएगा 2-3 घंटे जो भी मिलता है। जिसके पास टाइम है वो तो मतलब गेम प्ले कर ले, बट जिस भाई के पास टाइम नहीं वो थोड़ा सा मैनेज कर लेगा। तो खैर इन बात सब बात को रखते हैं साइड में, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड को हम लोग किस तरीके से डायमंड रॉयल वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या ये जो मैंने जितना भी न्यूज़ बताया अभी तक तो ये और रैम्पेज इवेंट वाले के लिए था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग डायमंड गोल्ड से हम लोग किस तरीके से डायमंड ले सकते हैं। तो क्या आपको पता होगा कि यहाँ पर हम लोग की एक चीज़ मिलता है कि जब हम लोग गोल्ड को स्पिन करते हैं ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम लोग की 1 वीक में जो यहाँ पर से, लेकिन हाँ इसका भी थोड़ा सा रूल है कि आप 2 वीक में एक गोल्ड रॉयल वाउचर ले पाएंगे। अब आप लोग आपको लगे भाई ये क्या 2 वीक में एक गोल्ड रॉयल है, तो ऐसे मतलब मज़ा नहीं आया भाई। तो गज जैसे बहुत लोगों को पता है कि यहाँ पर गोल्ड रॉयल हम लोग के बेफालतू में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्पिन करते हैं तो हम लोग 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए मिलता है, जब बंडल साथी यहाँ पर तो हम लोग अच्छी तरीके से उसका यूज़ कर पाते हैं, वरना गोल्ड जो ऐसे मतलब फालतू में चला जाता है। तो बहुत लोग परेशान होते हैं कि भाई गोल्ड रॉयल से कैसे हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग डायमंड ले सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ डायमंड लेने का आपको एक ही जरिया है कि आप डायमंड वाउचर ले सकते हैं, अन्यथा इसका कोई भी तरीका नहीं है। तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं वो किस तरीके से ले सकते हैं। कहीं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल वीकली जो स्पिन है 36 स्पिन है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्पिन अगर आप करते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मिलेगा। सेकंड में अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको गोल्ड और एक गोल्ड वाउचर मिलेगा। और थर्ड से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको एक गोल्ड रॉयल का कार्ड मिलेगा, सप्लायर मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको देख पाने की टोकन मिलेगा, ये वाला टोकन 5 टाइम मिलेगा। उसके थर्ड फोर्थ में अगर आप करते हैं यहाँ पर भी 5 टाइम मिलेगा, कितना 5 5 10 हो गया। लास्ट वाले में अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 और मिलेगा, तो 20 टोकन हो गया। अब बात करते हैं इस टोकन का आपको एक्सचेंज कहाँ से करना है, लेकिन एक बात याद रखिए जब भी आपको यहाँ पर स्पिन करना है 10 टाइम वाला करना है, ठीक है। एक वाला यहाँ पर जो आपको एक एक दिखता है ना, एक वाला आपको नहीं करना, जब भी करना है आपको ये लास्ट में जो 10 वाला है ना यहाँ पर। अरे यार ये 10 वाला है लास्ट में, ये वाला आपको करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्पिन कर चुका हूँ यहाँ पर से टोटल इस वीक का। तो इस वीक में मतलब 1 वीक में आपको जो टोटल मिलेगा वो टोटल आपको मिलेगा 20। इस टोकन मिलने के बाद आपको चलना है यहाँ से, आपको बैक आ जाना है, उसको ध्यान से चलना है आपको इसे यहाँ पर स्टोर पे, क्योंकि उस चीज़ को तो हम लोग एक्सचेंज भी करना है ना। स्टोर पर आने के बाद आपको रिडीम पे जाना पड़ेगा, रिडीम पे आने के बाद यहाँ पर आपको देख पाइएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा FF टोकन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो यहाँ पर हो गया टोटल 40 टोकन हो गया है, लेकिन यहाँ पर से हम लोग एक डायमंड रॉयल वाउचर लेने के लिए हम लोग कितना टोकन लगेगा, 40 टोकन। तो 40 टोकन के लिए आपको 2 वीक लगेगा। 2 वीक में आप यहाँ से हर 2 वीक में यहाँ से आप एक डायमंड रॉयल का वाउचर ले सकते हैं वहाँ से स्पिन करके। लेकिन आपको मैंने फिर से बताना हूँ कि वहाँ पर आपको 10 टाइम वाला ही स्पिन करना है, 1 टाइम वाला स्पिन नहीं करना, वरना आपको शायद हो सकता है कि आपका मतलब बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पर आपको उस नीचे लेवल तक पहुँचने में। यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहाँ पर से ले लेता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ से इसे ले लिया और मेरा जो रैंक था यहाँ पर 1 बचा, यानी 41 था, तो मैंने 40 देखे एक टोकन ले लिया। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक जरिया है जिसके द्वारा आप यहाँ से जो गोल्ड रॉयल को एक्सचेंज कर सकते हैं डायमंड रॉयल वाउचर में। तो इस चीज़ के बारे में बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात को शेयर कर दिया जाए, ताकि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके पास डायमंड जो है गोल्ड जो है बहुत ही पड़ा हुआ होता है और वो उस चीज़ को ऐसे ही उड़ा देते हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि उसका कहाँ पर यूज़ किया है। तो आप उस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कीजिए, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर यूज़ कीजिए, और यहाँ पर इस चीज़ को आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 टाइम के लिए या फिर मतलब इसका अनलिमिटेड बारिश से आप यहाँ से ले सकते हैं। तो गोल्ड रॉयल का प्रॉपर यूज़ कीजिए, यहाँ पर आके यूज़ कीजिए, और यहाँ पर से आप अपना डायमंड रॉयल वाउचर जो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो गाइस कुछ लोग मन में सोचेगा ये फेक है, तो भाई ये फेक नहीं है, मैंने रियल आपको दिखा दिया और आपको जो भी सामने था मैंने टोटल आपको यहाँ से लेके दिखा दिया, और मुझे जो गोल्ड रॉयल वाउचर है वो यहाँ से डायमंड रॉयल वाउचर 1 मिल गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 3 था, यहाँ पर आप देख पा रहे 2 था, तो 1 3 यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से डायमंड रॉयल वाउचर ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना सा ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.